SBI presents Tokyo Olympic 2020, The Banker to Every Indian. हरियाणा का पानीपत अपने गोल्डन बॉय के इंतजार में पलके बिछाए बैठा हुआ है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। नीरज के गांव में मानो जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग खुशी से झूम रहे हैं। पानीपत को अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का इंतजार है। नीरज के घर वालों ने पूरी तैयारियां कर ली है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने न सिर्फ अपने गांव, अपने सूबे का मान बढ़ाया है बल्कि पूरे देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। जीत की खबर आने के बाद से लगातार पानीपत में उनके गांव में जश्न का माहौल है। दरअसल जिस गोल्ड मेडल की जीत पर जश्न हो रहा है वो कड़ी मेहनत का नतीजा है। पिछले 5 सालों में नीरज ने कड़ी मेहनत की थी खास ट्रेनिंग के लिए। वो 450 दिनों तक यूरोप में रहे। बताया जा रहा है कि पिछले 5 सालों में नीरज की ट्रेनिंग पर 7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खास कार्यक्रम रखा गया। टोक्यो में शानदार इतिहास रचने के बाद आज भारतीय ओलंपिक दल वापस लौटने वाला है। इस दल में महिला और पुरुष हॉकी टीम के साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भी होंगे। भारतीय दल के एथलीट शाम करीब 5 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के बाद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भी एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की अपील की है। स्टेडियम में भारी तादाद में भीड़ जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।